क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लाइट हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि यूज़र जो नंबर एंटर करता है वो नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है बताने के लिए कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि एक नंबर जो है वो इवन नंबर है। अगर आपका पास एक नंबर है तो आपको उस नंबर को दो से डिवाइड करना है, उस वक्त जो रिमाइंडर वैल्यू आपको मिलता है उसे आपको चेक करना है। अगर एक नंबर को दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर जो है वो इवन नंबर है। अगर यहाँ पे इस नंबर को दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वन मिलता है या फिर नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलता है, उसका मतलब यह है कि ये नंबर जो है ये ऑड नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 27, तो ये बताने के लिए कि ये 27 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, आपको इसे दो से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे इस वक्त रिमाइंडर मिलेगा एक, इसका मतलब यह है कि 27 जो है ये ऑड नंबर है। इसी तरह अगर आपके पास 36 है तो इसको जब हम लोग दो से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा ज़ीरो, उसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 36 जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को कैसे पा सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेटर अवेलेबल है और उस ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को परसेंटेज सिंबल को यूज़ करके डिनोट किया जाता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर वैल्यू आता है उसे इस ऑपरेटर को यूज़ करके पा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग ये भी जानने वाले हैं कि इस ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि पाइथन में इवन नंबर है या ऑड नंबर है बोलने के लिए प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़र से एक नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हम लोग उसे ये कहेंगे कि उसने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से एक नंबर पूछेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन को। यहाँ पे मैं मैसेज स्पेसिफाई करूँगा एंटर एन इंटीजर नंबर। अभी इस मैसेज को देख के यूज़र एक नंबर को एंटर करेगा और ये इनपुट फंक्शन जो है उस नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। अगर यूज़र 45 एंटर करता है तो ये इनपुट फंक्शन जो है उस 45 को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। पर इस प्रोग्राम में हम लोगों को इंटीजर नंबर के साथ काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट मिलता है उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इंट फंक्शन को यूज़ करके। और वो जो वैल्यू हमें मिलता है उसे हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और मैं उस वेरिएबल को नाम दूंगा नंबर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि एंटर एन इंटीजर नंबर। उस मैसेज को देख के यूज़र एक नंबर को एंटर करेगा और ये इनपुट फंक्शन उस नंबर को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। उसकी वजह से हम लोग उस नंबर को जो स्ट्रिंग फॉर्म में है उसे इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसे इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी क्या करना है हमको, हमें रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसे दो के साथ डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर वैल्यू मिलता है उसे चेक करना है। तो यहाँ पे एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर वैल्यू आता है उसे पाने के लिए हम लोग इस मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको दो से डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर वैल्यू मिलता है उसे रिटर्न करता है। हम लोग उस रिमाइंडर वैल्यू को रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस रिमाइंडर वैल्यू को देख के ये बता सकते हैं कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर वैल्यू ज़ीरो है। तो उसके लिए हम लोग इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़, यहाँ पे कंडीशन होगा कि रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर ज़ीरो है कि नहीं। अगर रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर ज़ीरो है तो
तो इसका मतलब यह है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है, हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर इज़ एन इवन नंबर, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डॉट फॉर्मेट फंक्शन को, स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर है इसके लिए हम लोग वैल्यू देंगे और वो होगा इस नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो, यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर वैल्यू ज़ीरो है उसका मतलब है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर है, हम लोग यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर वेरिएबल के अंदर ज़ीरो नहीं है इसका मतलब है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन नंबर नहीं है, तो उसको हम लोग इस एल्स पार्ट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा ऑड नंबर, ठीक है। अभी हमने इस प्रोग्राम को लिखा है, हम लोग अभी इस मॉड्यूल को रन करेंगे। एंटर एन इंटीजर नंबर, मैं एंटर करूँगा 56। ये कहता है कि 56 इज़ एन इवन नंबर। अभी मैं इसे फिर से रन करूँगा 31, ये कहता है कि 31 इज़ एन ऑड नंबर। तो अभी यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखा है, तो अभी आपको एक और काम करना है, वो है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप लोग इस रिमाइंडर वेरिएबल के बगैर भी लिख सकते हैं। आपको ये जो ऑपरेशन हमने किया है इसको यहाँ पे करना है, इस इफ़ के कंडीशनल पार्ट जो है यहाँ पे आपको ये मॉडिफिकेशन करना है, और आपका कोड जो है उसको इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट करना है। मैं आपका कोड देखूँगा और आपको बताऊँगा अगर आपने किसी गलती की है तो। तो ये हुआ दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा।